अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं, और हमारा टॉपिक है ईट टू लिव और लिव टू ईट। लाइक इट इज लाइक यू जस्ट वांट टू लिव फॉर ईटिंग, और यू जस्ट आर लिविंग टू ईट ओनली। सो इट्स ऑल अबाउट द ईटिंग हैबिट्स, एंड टुडे वी आर ग्लैड टू हैव यासिर अरफात विद अस। और मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगी। ही इज़ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, ही इज़ यूके सर्टिफाइड लाइफ कोच ट्रेनर, और हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ हमें एसोसिएटेड नज़र आते हैं ट्रेनिंग की सेंस में। वो हमें नज़र आते हैं ट्रेनिंग्स करवाते हुए पंजाब पुलिस के साथ, FBR, इस्लामाबाद पुलिस के साथ, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन में उन्होंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं, और इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हुए हम नज़र आते हैं। सो वार्म वेलकम टू आवर शो यासिर। थैंक यू वेरी मच। जी यासिर, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? आपके नज़दीक ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समीरा, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने आज मुझे इनवाइट किया अपनी ई बैठक में, और आपने टॉपिक भी बड़ा दिलचस्प चूज़ किया है, बिकॉज अभी अभी हम जो ईद उल फितर है वो मना चुके हैं, और जो हमारे कौमी फेस्टिवल होते हैं या इस्लामिक फेस्टिवल होते हैं, तो फेस्टिवल्स के दौरान हमारी कुछ खाने पीने की रूटीन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमने माह रमज़ान में रोज़े रखे, तो मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई रमज़ान में हमें थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, तो अब हमने अपना कोटा पूरा करना है और बढ़ा निकाल। सिर्फ इसमें ऐसे नहीं है कि हमें थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, समटाइम्स ऐसे होता है कि बस अब दुबा के खाना है सहरी में भी और अफ्तारी में भी, क्योंकि हमें कमजोरी हो जाएगी, अच्छी खासी कमजोरी हो जाएगी। जी सही कह रहे हैं आप। तो उसमें ये चीज है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं चूंकि पाकिस्तान भर में घूमा हूँ, तो मैंने लाहौर और गुजरांवाला के लोगों को देखा है कि बाकी शहरों के लोग तो शायद खाते इसलिए हैं कि वो जी सकें, लेकिन गुजरांवाला और लाहौर के लोग जो हैं वो इसलिए जी रहे हैं कि उन्होंने खाना है। सो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मैं आपके साथ इस बात पे एग्री नहीं करूंगी। मुझे मतलब चांस हुआ कराची जाने का, और देखा जितना बारबेक्यू लोग वहां खाते हैं ना, हम लोगों का तो ऐसे नाम खराब हुआ है, लाहौर और गुजरांवाला वाले लोगों का। राइट। जी जी अच्छा, वैसे ये है कि मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि भाई ये तो हम एक लाइट मूड में उन्हें लाइटर नोट बात कर रहे थे। जब भी खुराक की बात आती है तो हमें कुछ चीज़ों को बड़ा कॉन्शियसली मद्देनजर रखना चाहिए, स्पेशली COVID-19 की वजह से, जब ये बात बड़ी पॉपुलर हो चुकी है कि भाई हमें अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना है, और दैट इज द राइट वे के हम जो COVID-19 है इस सारे के सारे टर्मोइल और क्राइसिस को बेहतर अंदाज में कम्बैट कर सकते हैं, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, और चूंकि पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है वो जब लिफ्ट किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स और बाजारों के अंदर जिस तरह लोग बड़े पैमाने पे बाहर निकले, और ये बहुत ज्यादा हदशा है कि अब बड़ी बासानी आपको इस वबा से नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कोरोना वायरस के साथ लड़ सकते हैं, और इम्यून सिस्टम का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो आपकी गिजा के साथ है। अच्छा, पहली बात यहाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि हमें कोरोना से लाइक फाइट करने के लिए अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग करना है, तो क्या यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है? इज इट लाइक दैट कि आपको बहुत ज्यादा खाना है? मैं देखें, मीरा आपने खुद ही एक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया कि जब भी हम फूड की बात करते हैं तो हमें पांच चीजें मद्देनजर रखनी है, हमें पांच सवाल खुद से करने हैं। उन पांच सवालों में से एक सवाल ये है कि मुझे कितना खाना है, क्या मुझे अपनी जरूरत के तक खाना है या मुझे अपने टेस्ट बड्स की गुलामी करते हुए खाते जाने। सो जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो यही है कि जब आपको हल्की भूख लगी हो तो आप पानी पी लें, लेकिन जब आपको शदीद भूख लगी हो
तो आप फिर इतना खाना खाएं कि आपके पास थोड़ी सी भूख मौजूद हो, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन गिज़ा कोई भी हो, जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वही गिज़ा आपके लिए जहर बन जाती है। सो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि आपने इतना खाना है कि आप उस खाने को कैरी ना कर रहे हों, बल्कि खाना आपको कैरी कर रहा हो। दूसरे नंबर पे समीरा के फूड की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, फूड की क्वालिटी मैटर करती है। मसलन मैं जब इम्यून सिस्टम की बात करता हूँ तो मैं सब पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, इनऑर्गेनिक फूड से आप अब छुटकारा पाएँ। ऑर्गेनिक फूड की जब हम बात करेंगे तो कोशिश ये करें कि 90% हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं, और स्पेशली कुछ फूड्स ऐसी हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं। मिसाल के तौर पे अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल। आजकल अभी चूंकि मैंगो सीजन स्टार्ट हुआ है तो आम एक ऐसा फल है कि जिसमें ना सिर्फ विटामिन ए विटामिन ई है बल्कि बड़ी मिकदार में विटामिन सी भी है, और विटामिन सी होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी बॉडी के लिए इतना ज़बरदस्त है कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। इसी तरह आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा फल आपको गलियों में बाज़ारों में नज़र आता है, ब्लैकबेरी फालसा। अब ये फालसा इतना ज़बरदस्त फ्रूट है कि ये ना सिर्फ विटामिन सी कैरी करता है बल्कि इसमें ये सलाहियत है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें एक्सेसिव यूज़ करनी चाहिए। हमें क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है। उसमें ब्लैकबेरी है, मैंगो है, अगर आप सर्दियों में फ्रूट्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स हैं, अदरक है, लहसुन है। इसके अलावा जो सब्जियों में जो पालक है, पालक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, पालक का इस्तेमाल करें। और इसी तरह ये अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में जो एलमंड है ये बड़ा फायदेमंद है। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि यहाँ पे हमारी क्वालिटी जो है, फूड की क्वालिटी जो है वो मैटर करती है, उसकी क्वांटिटी नहीं। यानी हमें ज्यादा नहीं खाना, हमें बहुत अच्छी गजा लेनी है। और उसमें आपने ज्यादा जोर दिया कि हमें मीट से हटके वेजिटेबल्स और इसके अलावा फ्रूट्स के ऊपर काम करना है। और फ्रूट के अंदर आपने मेंशन किया कुछ फ्रूट को, जैसे आपने मैंगो का जिक्र किया, आपने फालसे के बारे में बात की, इसके अलावा अगर आप सर्दियों के फलों की बात करें दैट्स रियली ग्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी खुराक के बारे में थोड़ा सा इसको चूज़ी नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ खाएँ चाहे वो थोड़ी हो, दैट्स रियली ग्रेट। यासिन, इसमें एक चीज़ है कि जब आप खाते हैं तो क्या आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है, क्या ये भी किसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है आपकी इस हैबिट पे कि आप ज़्यादा खाएंगे या कम? इज इट लाइक इंटरलिंक्ड समवेयर? देखें समीरा, बात यह है कि सिटिंग पोस्चर इस हद तक तो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग खाना खाने के बाद लेजी पोस्चर में बैठ जाते हैं या खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो ऑब्वियसली उससे ओबेसिटी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल फैक्टर होता है कि मोटापा आ सकता है। कोशिश ये करें कि, बल्कि हकीम लुकमान ने भी ये कहा कि आपको खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम ज़रूर चलने चाहिए, इवन अगर आपको कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े। सो जब आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लेनी चाहिए। आप जब हम वॉक की बात करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें बाकायदा वर्जिश करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये वर्जिश का कल्चर नहीं है। मतलब मैंने ये देखा है कि हम पाकिस्तानी उस वक्त वर्जिश करते हैं जब हम वर्जिश करने के काबिल नहीं रहते। मैंने बहुत से लोगों को, जब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं हमें कि अब इसका कोई और हल नहीं है तो आपको एक्सरसाइज, आपको वर्जिश करनी चाहिए। सो वॉक खाने के बाद हल्की फुल्की जरूर होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद ऐसे लेजी पोस्चर में आप बैठ जाएं लेट जाएं वो नुकसानदेह है। जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कम से कम, ज़्यादा नहीं तो जो है वो 100 feet जो है कम से कम हमें ज़रूर चलना चाहिए, दैट्स रियली गुड। अच्छा, इसमें अब ये बताएं हमें कि लाइक हमें एक वक्त में ही ज़्यादा खा लेना चाहिए या थोड़ा थोड़ा। मैं इसलिए इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो रही हूँ इस चीज़ के बारे में क्योंकि ये कोरोना की वजह से हम लोग अपने घरों में महदूद हो गए हैं, और अक्सर आपको इस तरह के जोक भी नज़र आएंगे कि अब पेट भी बाहर निकल रहे हैं और हमारा मतलब बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ लोग जा रहे हैं क्योंकि उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप हमें इन डिटेल बताएं कि हमें किस तरह से मतलब एक ही वक्त में ज्यादा सा खा लिया जाए या थोड़ा थोड़ा करके खाना, व्हाट इज लाइक द बेस्ट वे। अच्छा सुमीरा, इसमें ये है कि अगर आप पाकिस्तानी कल्चर को देखें, अपनी जो सोशल फैब्रिक को देखें, तो हमारे यहाँ पर 3 टाइम खाने का कल्चर है। अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं, अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं, तो पता ये चलेगा कि 100 साल पहले इसी एरिया में, इंडो पाक में, 3 टाइम खाने का रिवाज नहीं था। या लोग 2 वक्त का खाना खाते थे या 1 वक्त का खाना खाते थे। अब अगर आपने 3 वक्त का खाना खाना ही है, तो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ी सी उसकी रूटीन को चेंज कर लें। रूटीन ये होनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट आपको हैवी करना चाहिए। मतलब आप जब ब्रेकफास्ट करें तो ब्रेकफास्ट वो फायदेमंद है जो दिन 7 बजे से पहले पहले आप करें। और ब्रेकफास्ट में रिच प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। आप दूध लें, एग्स लें, आप जो गंदम है उसकी बनी हुई रोटी खाएं, बजाय इसके कि आप गंदम से छना ऐसा आटा यूज करें कि जो बहुत छना हुआ हो, या बाजार का जो मैदा और सूजी जिससे निकाल ली जाती है। आपने रिच प्रोटीन डाइट लेनी है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। दोपहर के खाने में आप क्या करें कि आप कुछ डाइटरी फाइबर्स ले लें, लाइक ग्रीन सैलेड्स ले लें। आप अगर कोई फ्रूट खा सकती हैं, फ्रूट खा लें, और ज्यादा से ज्यादा 1 रोटी या आप 2 रोटियां खा सकती हैं। रात का खाना आपको इतना मामूली खाना है कि आपकी कमर सीधी रह सके। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर, कि आपने रात का खाना इस तरह खाना है कि जैसे आपने किसी से मांग के खाना है। और ये बात बहुत जरूरी है कि आप रात का खाना अगर खा रहे हैं तो देखें कि आपने खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद बेडरूम में जा रहे हैं। अगर आप खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं, तो बहुत सी बीमारियों की जो बड़ी वजह है, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज, उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हम खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं। चूंकि खाना खाने के बाद सारे का सारा जो बोझ है वो हमारे स्टमक पे आ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा स्टमक की तरफ चली जाती है। सो उस वक्त हमें ये चाहिए कि हम थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लें, या एटलीस्ट कोई किताब पढ़ लें, या कोई और काम कर लें कि कम से कम 3 घंटे गुजर जाएं। सो खाना खाने के फौरन बाद नहीं सोना। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस की बात करें, स्पेशली जो शहरी इलाके हैं, तो शहरी इलाकों में अब ये प्रैक्टिस बन चुकी है, स्पेशली ये जो लॉकडाउन में, कि सारी रात हम जागते हैं। रात को हम और रात को हम क्या करते हैं कि फूड पांडा से ऑर्डर्स करवाते हैं, हम वो पिज्जा मंगवाते हैं, बर्गर्स, फास्ट फूड मंगवाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँ सुमीरा के इस वक्त हमारी बहुत सी बीमारियों की बड़ी वजह ये फास्ट फूड है। अब ये फास्ट फूड वाले जो चेन्स के ऑनर्स हैं या जो लोग इस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं बात वो करूंगा जो दुरुस्त है कि इस फास्ट फूड ने पाकिस्तान में ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, इस जैसे बेशुमार मसाइल पैदा किए हैं। क्यों? क्योंकि ये फास्ट फूड ना सिर्फ आपकी ओबेसिटी को बढ़ाती है, बल्कि आपके स्टमक में एसिडिटी पैदा करती है। और ये जो फास्ट फूड का कल्चर है, अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखें, तो पता चलता है कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी 4 वैल्यूज हैं। नंबर 1 है जी, फूड वो है जो जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। नंबर 2, फूड वो है कि जिसको आप आसानी से खा सकते हैं। नंबर 3, फूड वो होगी जिसको आप आसानी से पका सकते हैं, कि आपने फ्रिज से निकाला, पका लिया, आपने डिब्बा खोला, पका लिया। और नंबर 4, फूड वो है कि जिसका जायका बहुत अच्छा है, जो स्पाइसी बहुत है। अब आप देखें कि खानों में स्पाइसीनेस बहुत ज्यादा होगी। आप अपने किचन में देख लें, आपको किचन में 90% ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप इजीली पका भी सकते हैं और इजीली च्यू भी कर सकते हैं। यही वजह है कि आप मौजूदा नस्ल को देख लें, जिस्म फरबा है, कद भी बड़े हैं, लेकिन ताकत नहीं है। आप आजकल 12-14 साल के बच्चे को कोई 10-15 kg वेट उठवा दें तो उसका सांस फूल जाता है। वो थोड़ा सा काम करेगा तो उसकी हिम्मत जवाब दे देगी। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को वो दे रहे हैं जो उनकी जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, बच्चों में गुस्सीलापन और पुरतशद्दुद रवैये बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे भी बड़ी वजह ये फास्ट फूड है। क्योंकि जब आप इस किस्म की खुराक एक्सेसिवली लेते हैं, तो इस किस्म की खुराक आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को तेज करती है, और यही चीजें आपके अंदर गुस्से को,
और ये जो अक्सर परेशान रहना, स्ट्रेस लेना, इस जैसी जो हैबिट्स हैं उसके बढ़ावे का बायस बनती है। जी यासिर, बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अग्रेसिवनेस है ये भी किसी हद तक हमारा जो फूड है, जो डाइट हम लेते हैं, वो इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। और ख़ास तौर पे ये जो वाइट शुगर है, रिफाइंड वन, ये भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस जो है वो क्रिएट करती है। और ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको अच्छा फीडर में डाल के 2-3 चम्मच दे देते हैं कि पता नहीं जिस तरह मीठा देंगे, तो ये शायद उनके लिए फ़ायदे की बात है। तो ये चीज़ उनको अग्रेसिव करती है। समटाइम्स जो बच्चों का बिहेवियर ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो कहा जाता है कि चीनी को उन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। और ख़ास तौर पर रात में अगर वो सो नहीं रहे, तो इसका मतलब है आपने उनको दबा के चीनी खिलाई है। दैट्स रियली गुड। और इसके पीछे देखिए, अब हमें पता है कि ये फूड हमने खाना है, फास्ट फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यासिर हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके पीछे क्या कोई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं या क्या वजह है, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को देखें कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आपस में ही बात कर रहे हैं, हमने उतनी देर तक उन्हें इतनी देर से चेक नहीं किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रियाज अहमद, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। इरम असलम है, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तैयब हैं, आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन, किसी और ही जुबान में लिखा हुआ है। और सरफराज मुनीर हैं हमारे साथ। और रियाज जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, ईट द स्टफ ग्रो ऑन प्लांट्स, नॉट द फूड प्रोसेस्ड बाय प्लांट्स। इसके बारे में आप थोड़ा सा जो है। अच्छा, सुमित, ये रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमें वो खाना खाना है जो कि प्लांट पर उगता है, हमें वो नहीं खाना जो प्लांट में बनता है। मैं हमेशा इस चीज को बहुत प्रोपेगेट करता हूँ कि हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड खानी है, हमें जी, प्रोसेस्ड आपने या भी आपने भी मैन्युफैक्चर्ड करेक्ट फूड किया। नहीं खानी। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में व्हाइट शुगर की बात की, तो मैं इसके साथ साथ ये ऐड करता चलूँ कि तीन चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में मैनेज कर जाए तो हमारी अपनी सेहत और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की सेहत जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। नंबर वन, आपको वाइट शुगर बहुत मॉडरेट चूज करनी चाहिए, और कोशिश करें कि वाइट शुगर के मुकाबले में अगर आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें तो वो बेहतर है। दूसरे नंबर पे हमें जो नमक है, साल्ट, इसका इस्तेमाल बहुत हमें इत्तेदाल पसंदी से करना होगा। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो हर चीज पर नमक को छिड़क के यूज करते हैं, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की बड़ी वजह नमक का ज्यादा इस्तेमाल है। और तीसरी चीज है कि मैदा, ये जो हम बेकरी की आइटम्स यूज करते हैं, बेकरी की आइटम्स जो हैं ये बहुत बड़ा सोर्स है मोटापे का, तो इन तीन चीजों को हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। बाकी मैं जो रियाज साहब की बात है उससे 200% एग्री करता हूँ कि आप देखें कि अगर पूरी दुनिया में फूड के हवाले से चलने वाले इश्तहारात और एड्स को देखें तो मुझे बहुत दफा ना बड़ी हंसी आती है। मैं हैरान होता हूँ कि देखें इतनी ज्यादा मार्केटिंग की जाती है, जिसको हम कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कहते हैं, कि हमारे जहनों में ये बात डाल दी गई है कि जो ग्वाले से मिलने वाला दूध है वो ठीक नहीं है, जो डिब्बे से मिलने वाला दूध है वो ठीक है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि डिब्बे से मिलने वाले दूध में केमिकल्स होते हैं, उसके उसका फायदे के बजाय वो नुकसान है। इसी तरह मुझे ये बताएं कि जब हम मार्केट से सेब 230 रुपये या 300 रुपये पर केजी परचेज करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में डिब्बे वाला जो जूस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी नेचुरल और प्योर, ये कैसे हो सकता है कि 300 रुपये पर केजी आप सेब परचेज कर रहे हैं और आपको एक बड़े ही खूबसूरत से डिब्बे में बहुत बड़े बड़े इश्तहारात चला के आपको आपके सामने एक जूस का डिब्बा आता है और वो प्योर हो। सो इस पे एक लाइन मैं हमेशा बोला करता हूँ कि हर वो खाने वाली चीज जिसके बारे में इश्तहार चल रहा है आपको उसकी सेहत पर शक जरूर होना चाहिए। सो ये दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इदारे हैं जो मार्केटिंग करती हैं और मार्केटिंग की पर्पसेस से जो है वो इस किस्म के इश्तहारात चलाती हैं और जो आपके जहन पे असर करते हैं, और अल्फाज का ऐसा जादू चलता है। आप देखें कि आज हमारे लंच टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, जब तक कोका कोला या पेप्सी की बॉटल ना हो हमारा लंच और डिनर मुकम्मल नहीं होता। मैंने अक्सर हवातीन को या अक्सर पार्टीज में सुना है कि यार खाना खा लिया, बॉटल नजर नहीं आ रही, सॉफ्ट ड्रिंक नजर नहीं आ रही, हमारा सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर तो खाना हजम ही नहीं होता। आपने फास्ट फूड की बात की कि हम इसको खाए बगैर नहीं रह पाते, तो इसकी बड़ी वजह ये है सुमीरा के जिस तरह ड्रग्स की एडिक्शन होती है, जिस बिल्कुल तरह ऐसे कुछ बिल्कुल लोगों को ऐसे मोबाइल की एडिक्शन है, इसी तरह हमारे बच्चों को
फास्ट फूड की एडिक्शन है। मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो रोज जब तक उनकी डिनर टेबल पे बर्गर या पिज्जा ना आए तो वो डिनर बेहतरीन सा कोरमा पकाया है और डिनर टेबल पे खाना लगता है कि जी आए भी खाना खाएं, तो बेटा कहता है कि मामा नहीं, मैंने तो ये बिरयानी या कोरमा नहीं खाना, मैं तो पिज्जा खाऊंगा। तो माँ फौरन से क्या कहती है कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आप इस तरह करें कि आप पिज्जा ऑर्डर कर लें। जब आप एक बच्चे को स्टार्ट के ऑप्शन दे रहे हैं कि वो ऐसी फूड का चुनाव करे वो टेस्ट बड्स की गुलामी करे, तो आपने बच्चे के लिए इन्फोर्समेंट कर दी कि भाई आपने अब नेचुरल फूड नहीं खानी बल्कि आपका जो चाहे दिल करता है। सो माओ को चाहिए कि जब बच्चा जिद करे कि जी मैंने फलां चीज नहीं खानी, तो आप कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं आप ना खाएं। यकीन माने आप बच्चों को फोर्स ना करें, बच्चे को जब भूख लगेगी बच्चे को वही टीडे वही पालक वही कद्दू पसंद आएगा जिससे वो इनकार कर रहा था। मसला क्या है कि हम ओवर पैम्परिंग करते हैं, ओवर पैम्परिंग हम ऑप्शन दे देते हैं बच्चों को, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे के मुंह से जो बात निकले हम वो बात पूरी कर दें, बल्कि ये तरबियत का सबसे गिरता हुआ मैयार है। मतलब हम अभी तरबियत पे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक बात एक जुमला ये कहना चाहूंगा कि हमें एटलीस्ट अपनी औलाद को इस तरह जरूर ग्रूम करना चाहिए कि हमारी औलाद अपनी चॉइसेस में रहते हुए दुरुस्त और गलत का चुनाव कर सके, नाफे और गैर नाफे और हलाल और हराम का भी चुनाव कर सके। मतलब आप देखेंगे बहुत से बच्चों को मना किया जाता है कि आपने बोतल नहीं पीनी, लेकिन जैसे ही मेहमान आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि मेहमान के सामने भी बॉटल पीएंगे और फिर जब फ्रिज पड़ी होगी तो छोटी छोटी पी लेंगे। इसका मतलब ये है तरबियत नहीं हुई, आपने बच्चे को खौफ के जरिए लालच के जरिए तो रोक दिया, लेकिन जब उसको चॉइस मिली तो उसने वही काम किया जिससे आप उसको रोक रहे थे। तो इसमें वालिदैन को भी बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और वालिदैन को खुद बच्चों को इस किस्म की पार्टीज में लेके जाना, और स्पेशली मैंने देखा है कि हमारे माँ बाप का ये एक बहुत बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और दर हकीकत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि बच्चे जब भी कहते हैं कि जी बाबा बाहर जाएं खाना खाने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चों या किसी फास्ट फूड शॉप पे ले जाएंगे या बच्चों को इसी तरह किसी ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाएंगे जहाँ पर ये इस किस्म का खाना मिले। सो बच्चों की आदत इस अंदाज से भी डेवेलप हो रही होती है। जी बिल्कुल, ऐसे यासिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम लोग उनके सामने खुद तो एक चीज़ यूज़ करें और बच्चों को ये कहें कि ये चीज़ बेहतर नहीं है। उसके लिए ऑब्वियसली हमें मॉडलिंग करके दिखानी पड़ेगी, हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ बेहतर नहीं है, ये बेहतर नहीं है इसलिए हम भी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मसला ये है कि जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक की बात है तो हम लोग एडल्ट्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको पीते हैं, ग्रोन अप्स जो हैं, तो फिर ऑब्वियसली बच्चे भी उस बात से मना नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा पेरेंटिंग का रोल आ जाता है, हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए ना कि डरा के वो हमारे डर से काम से रुक जाएँ और जैसे ही उनको उसका चांस मिले तो वो करें। ये हमारे साथ रियाज अहमद हैं, वो एक प्रोवर्ब शेयर कर रहे हैं, have a nice breakfast, medium lunch and send your dinner to your enemy. That's really good. वो चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर अपना थोड़ा सा व्यू दें। Do you agree with that? ये बिल्कुल, रियाज साहब जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि ये हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। ये सारे का सारा ये इन्होंने सारे का सारा फलसफा बता दिया और हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि जी बिल्कुल आपने डिनर बिल्कुल लाइट सा करना है, ब्रेकफास्ट आपने बहुत हैवी करना है जितना बेहतर आप कर सकते हैं। बल्कि हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स जिनको लेसन्स जल्दी याद नहीं होते उनके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के बंदो आपको आइडिया नहीं कि आपके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और इन न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग के लिए आपके दिमाग को आपकी बॉडी की 20% दवाई की जरूरत होती है। और जब आप बगैर नाश्ता किए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके ब्रेन को प्रॉपर तवानी नहीं मिलती, क्योंकि आपके ब्रेन अगर 2% पानी भी कम हो जाए तो आपके ब्रेन की फंक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। सो कोशिश ये करें कि ब्रेकफास्ट अच्छा करें। अच्छा, यहाँ पर मैं सुमीरा एक और बात भी ऐड करूंगा कि ये सोशल मीडिया ने भी हमारे बच्चों को बड़ा बिगाड़ा है। सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों को इस तरह बिगाड़ा है गो कि हम अभी सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी आवाम से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है सुमीरा के आपने देखा है कि हमारे अंदर एक आदत डेवलप हो गई है कि हम रेस्टोरेंट्स में कैफेस में जाते हैं
और हमारे सामने वो बर्गर पिज्जा या जो भी ईटेबल्स होते हैं हम उनको सामने रख के एक अच्छी सी सेल्फी खींचते हैं बिल्कुल ऐसे। और हम उसको ना सिर्फ पोस्ट उसको स्टेटस पे लगा देते हैं, रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे होते हैं उसका स्टेटस लगाते हैं। अच्छा, जब आम लोग इस सारे के सारे सिनेरियो को देखते हैं और लोग समझते हैं यार ये तो बड़ी स्टेटस की बात है रेस्टोरेंट्स में जाना फास्ट फूड खाना, और मैंने अक्सर देखा है कि अगर लेट्स सपोज के मैं तो ऑर्गेनिक फूड यूज करने वाला बंदा हूँ, मैंने तो घर में कुछ चीजों को बिल्कुल माइनस कर दिया, मेरे बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते, मेरी बेगम नहीं पीती, हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। सो मैंने अक्सर देखा है कि मुझसे कभी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कहें कि या सिर्फ पार्टी शार्टी पे चलते हैं या कहीं बाहर खाने पे जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार कोई ग्रिल्ड फूड खा लेते हैं, लाइक कोई मटन चैम्स खा लेते हैं या कोई देसी मुर्गी खा लेते हैं, तो वो इस चीज को बड़ा मायूस समझते हैं, कहते हैं यार तुम क्या ये वही पेंडुओं वाली खुराक देसी वो कहते हैं कि यार आओ किसी कैफे पे चलते हैं, वहां पे कोई ग्रिल फूड खाते हैं, वहां पे कोई हम लाइक ये जो क्या कहते हैं कोई फास्ट फूड ले लेते हैं, ये तुम क्या हर वक्त देसी फूड, ये तो घर में भी बनती है। सो ये भी एक कल्चर हो गया है कि सोशल मीडिया पे जो एक स्टेटस की रेस है इसने भी हमारे लोगों के जहनों को इतना बदला है कि हम लोग नेचुरल फूड नहीं लेना चाहते, हम इसको समझते हैं कि ये चीज एक मायूब सी बात है, ये कंजर्वेटिव सी अप्रोच है। सो इस हवाले से बच्चों को गाइड करने की जरूरत है और हमें इस किस्म के किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ बीना है, शी इज सेइंग, और उनका लगता है जी लव नेचर क्लब इज अप्रिशिएटिंग योर गुड एफर्ट्स फॉर मैनेजिंग लाइफस्टाइल, थैंक यू सो मच बीना। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाई इट इज सेड दैट जापानीज लिव टू वर्क एंड पाकिस्तानी लिव टू ईट। अच्छा आसिम, हम ऑलरेडी इस पे ना बात कर चुके हैं कि बेसिकली हम पाकिस्तानी थोड़ा सा कुछ खुराक भी हैं, और दूसरा सुमीरा मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली कहूँ कि जिस सोसाइटी में लोगों के पास जिंदगी जीने का कोई बड़ा मकसद ना हो वहां पर भी लोग कुछ गप्पियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं जिस तरह एक जानवर गुजारता है, कि एक जानवर भी इस दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है और इस दुनिया से चला जाता है, उसके ना इस दुनिया में आने से फर्क पड़ता है ना इस दुनिया के जाने से फर्क पड़ता है। सो जिन लोगों के पास जिंदा रहने का कोई बड़ा मकसद होता है, जो मकसद हयात के साथ रह रहे होते हैं, वो लोग अपने हर हर काम को मात तोल के करते हैं। आपने जापानीज की बात की है तो आपको पता होना चाहिए कि जापानी कौम वो बात है कि जहां पर जो ज्यादा उम्र पाने वाले लोगों की तादाद है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और वहां पर लोग ना सिर्फ ज्यादा उम्र पाते हैं बल्कि उनके लोग ज्यादा खुश भी रहते हैं। अच्छा, इस पे रिसर्च हुई और जापान में एक इलाका है ओकिनोवा, वहां के जो रहने वाले लोग थे वो लंबी उम्र पाते थे और वो बड़े खुश भी थे। तो रिसर्च से ये पता चला कि उन लोगों के खुश रहने की और लंबी उम्र पाने की बड़ी वजह ये थी कि उन लोगों के पास मकसद हयात था। हमारे मोस्टली लोगों के पास कोई मकसद हयात ही नहीं होता, हम लोग सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस या ऑफिस चले गए, वो एक कोल्लू के बैल की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है। हमारा स्टूडेंट है उसके पास कोई बड़ा मकसद नहीं है, उसके पास बड़े से बड़ा मकसद ये है कि डिग्री लेनी है और नौकरी करनी है, और नौकरी करके हमने कोई शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। अगर हम जनरल एक बात करें गांव में रहने वाले लोगों की, तो वो खेती बाड़ी करती हैं, उनका काम क्या है, सारा दिन खेती बाड़ी करना, डेरे पे बैठ के गप्पे मारना, हुकूमत को डिस्कस करना, लोगों को डिस्कस करना, एंड दैट्स ऑल। वो आपने एक बड़ी अच्छी बात भी सुनी होगी कि जो छोटे जहन है वो क्या करते हैं, वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो एवरेज लोग हैं वो वाकयात को डिस्कस करते हैं, और जो अजीम जहन होते हैं, अजीम लोग होते हैं, वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो आइडियाज डिस्कस करेंगे जब आप क्या करेंगे कि अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करेंगे। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जब आप यहां से नीचे इन्वेस्ट करते हैं कपड़ों के ऊपर और अपनी फूड के ऊपर, तो क्या ही अच्छा होगे आप अपनी गर्दन से ऊपर माइंड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें। मतलब मैं एक सवाल ओपन सवाल करता हूं कि अभी ईद गुजरी है तो यारों दोस्तों ने 5-5, 10-10 हज़ार की पार्टियां भी की होंगी, हम लोग रेस्टोरेंट्स पे भी गए होंगे, हमें 5-10 हज़ार रुपया बिल देते हुए तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमें 200 रुपया 300 रुपये की किताब खरीदते हुए तकलीफ होती है, हमें 500-1000 रुपया किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप में देते हुए तकलीफ होती है। तो जिस कौम को किताब खरीदते हुए, जिस कौम को
किसी तरबियती वर्कशॉप में इन्वेस्ट करते हुए अपनी इंटेलेक्चुअल बास्केट पे इन्वेस्टमेंट करते हुए तकलीफ हो, फिर उसका हाल यही होता है कि वो कौम सिर्फ खाने के लिए जीती है, जीने के लिए नहीं खाती। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पता सबको है कि किस तरह से खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके लिए आप कुछ हमें टिप दें कि किस तरह से, मतलब इसमें थोड़ा सा मोटिवेट करें हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से वो एक मतलब अच्छी जो है वो ईटिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। अच्छा तैयबा, आई स्टैंड करेक्टेड, मेरे मुंह से तैयबा निकल गया है क्योंकि मैं सेवन न्यूज पे जो प्रोग्राम करता हूँ, मेरी जो एंकर होस्ट है उसका नाम तैयबा है। सो समीरा बात ये है, समीरा बात ये है, हाँ जी समीरा बात ये है, आपने सवाल किया कि जी कैसे खाना है। अच्छा लोगों को ये नहीं पता कि कैसे खाना है। अच्छा मोस्टली लोगों को तो मैंने देखा है कि जब वो खाना खाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कुछ जंग कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे पार्टीज में लोगों को देखा है कि खाना खाते हुए वो उनको स्वेटिंग हो रही है, खाना उनके कपड़ों पे गिर रहा है और वो इतनी तेजी से खा रहे हैं कि उनको अपने इर्द गिर्द की चीजों की कोई होश नहीं। शायद जिंदगी का आखिरी खाना है। हाँ जी ये बातें तो हम है वो डाइनिंग एटिकेट्स या टेबल मैनर्स को जब हम डिस्कस करेंगे कभी उस वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर वक्त मैं दो तीन जुमले देता हूँ कि अल्लाह के बंदो जब भी आपके सामने खाना आए तो बिल्कुल रिलैक्स होके खाएं। आपको कम से कम एक बाइट को 35 से 40 बार जरूर च्यू करना चाहिए। जितनी एफर्ट आप अपनी दांतों को करने देंगे उतनी कम एफर्ट आपकी इंटेस्टाइन आंतों को करनी पड़ेगी। हमारी इनडाइजेशन की बहुत बड़ी वजह यह है, बदहजमी की, मेदे की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग इतनी तेजी से खाते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि 95% लोग अपना खाना 5 मिनट से भी कम टाइम में ख़त्म कर देते हैं और बड़े बड़े बाइट लेते हैं। बड़े बड़े बाइट जब आप लेते हैं तो ना सिर्फ खाना ज़्यादा खाया जाता है, यही वजह है कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि पेट जो है ना वो बहुत उनका निकला हुआ होगा। पेट के निकलने की बड़ी वजह ही ये है कि हम बड़े बड़े बाइट लेते हैं। बड़े बड़े बाइट लेने से ना सिर्फ खाना ज़्यादा खाया जाता है बल्कि हम बहुत जल्दी में खाते हैं और इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर प्लीज़ खुदा के लिए खाने की रूटीन सेट करें। आपको जहाँ खाने की रूटीन सेट करनी है वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप पानी कितना पीते हैं। पानी हमेशा खाना खाने से आधे पौना घंटा पहले पिए। जब आप खाने के साथ पानी लेते हैं या खाने के बाद पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि जहां पर आपका मैदा 5 से 6 घंटे खाने को हजम करने में लेता है, मैदे की न सिर्फ वर्कआउट बढ़ जाता है बल्कि मैदे को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। सो कोशिश ये करें कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए। कोशिश ये करें कि आप खाने का एक वक्त रखें। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि कितनी बदकिस्मती है कि हम सारी एफर्ट्स, सारी हमारी मेहनतें, सारी हमारी कोशिशें इसलिए होती हैं कि हम एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें, और लिविंग स्टैंडर्ड में खाना जो है वो एक बड़ा बुनियादी इम्पॉर्टेंट जुज है। लेकिन हम सब कुछ एफर्ट्स करने के बावजूद हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है यार जल्दी जल्दी ले आओ मुझे जल्दी है, वो अल्लाह के बंदे तुम इतनी एफर्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए वक्त नहीं है तो तुमने और क्या करना है। और पहले हम सारी उम्र एफर्ट्स करते हैं और पहले हम ये इनऑर्गेनिक फूड खा के, मैन्युफैक्चर्ड फूड खा खा के अपनी सेहत खराब करते हैं, फिर हम इस सेहत को मेंटेन करने के लिए परहेजी खाने पर आ जाते हैं। तो क्यों ना हम आज से फैसला करें कि बजाय इसके कि हम 40 साल के बाद डॉक्टर्स की जो है वो प्रेस्क्रिप्शंस पकड़ के मेडिसिंस खा रहे हों। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 60% आबादी ऐसी है कि जो 24 घंटे में एक मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान में 65% ऐसी आबादी है जो कॉन्स्टिपेशन का सामना कर रही है। और आपको आइडिया होगा कि कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ बहुत सी बीमारियों की जड़ है। सो आप बजाय इसके कि डॉक्टर्स की मेडिसिन खाते रहे, वो अल्लाह के बंदो अच्छा खाना खाओ, और अच्छा खाना खाओ खाने के साथ साथ खाने का एक टाइम रखो, आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी जिस्मानी, आपकी ज़हनी और आपकी जज्बाती सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी खुराक के साथ है। सो अच्छी खुराक खाएं। जी यासिर, इसमें मैं थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स को? देखें तैयबा, कोई भी जो हैबिट है उसका डायरेक्ट ताल्लुक तो हमारी जो नफ्सियात है उसके साथ होता है कि जब भी हम किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं
वो काम हमारी हैबिट बन जाता है, और जब कोई काम हमारी हैबिट बनता है तो वो हमारे लाशौर में लाशौर का हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, या जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है, या जिन लोगों को खाना खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक लेने की आदत होती है, असल में होता यह है कि जब वो खाना खा लेते हैं तो उनके लाशौर से उनको एक क्लू मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि भाई किधर है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक, तुम्हारा सिगरेट किधर है। जब उनको क्लू मिलता है तो उनके अंदर वो एक क्रेविंग आती है कि मुझे कुछ मिल जाए। जब क्रेविंग आती है तो वो उस चीज के बारे में सोचते हैं, जब सोचते हैं तो फिर वो उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो उस चीज को ले लेते हैं तो उनको फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आती है, उनकी बॉडी में डोपामिन प्रोड्यूस होता है। सो उनको एक बड़ी तसल्ली सी आती है कि हाँ यार अब मैं रिलैक्स हूँ। अब ये जो लोग सिगरेट पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, उसके पीछे यही वजह होती है कि उनके लाशौर में ये बात बैठी होती है कि भाई ये काम हम करेंगे तो हमें फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आएंगे। जी यासिर, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी खूबसूरत बातें की हमारे साथ, गाइड किया कि कैसा खाएं, कब खाएं, किस तरह से खाएं, किन चीज़ों को अवॉइड करें। और दूसरा वो जो स्टूडेंट्स के हवाले से आपने बात की थी कि वो नाश्ता नहीं करते, तो ये चीज़ एक मॉडर्निज्म का हिस्सा है कि भाई हम नाश्ता नहीं करते, या कहीं ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम शायद डाइटिंग पे हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा क्लियर कीजिएगा इसको कि ये क्या डाइटिंग का पार्ट है कि सुबह में नाश्ता करते हैं। सुमीरा बात यह है कि बाहर में जाए ऐसी डाइटिंग के जो आपको इतना कमजोर कर दे कि आप का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाए कि आपने देखा है, मैं ऐसे बच्चों को मम्मी डैडी बच्चे कहता हूँ माजरत के साथ, सर्दी आएगी तो फौरी तौर पे ऐसे बच्चों को फ्लू हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, गर्मी आएगी तो बुखार हो जाएगा, कोई ना कोई मसला हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदो, ये कैसी डाइटिंग है? और डाइटिंग नहीं आपने करनी। अब बहुत से लोग डाइटिंग इसलिए करते हैं कि जी वो ओबेसिटी का शिकार हैं, वो लोग मोटापे का शिकार हैं, या बहुत सी लड़कियां ये समझती हैं कि अगर वो ज़्यादा खाएंगी तो वो हेल्दी नज़र आएंगी। और हमारे चूंके जब एक बेटी का रिश्ता ढूंढा जा रहा होता है तो लड़के वाले लड़की में ग्लैमर देख रहे होते हैं, उसमें कोई मॉडल ढूंढ रहे होते हैं, और लड़कियाँ भी बेचारी इस परेशानी की वजह से ज्यादा नहीं खाती, डाइटिंग करती हैं, और नुकसान ये होता है कि वो अंदर से बहुत वीक हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप बस करें ये कि आप अपनी खुराक को एक रूटीन के साथ यूज करना स्टार्ट कर दें। लाइक एक टाइम रखें, आपने ब्रेकफास्ट करना है तो एक टाइम पे करें, कोई मजबूरी हो तो आप उसको उसमें रद्दबदल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम रखना चाहिए। दूसरा ये है कि आप बहुत ज्यादा ना खाएं। मैंने पहले बता दिया कि हमें भूख रख के खाना है, जब हम भूख रख के खाते हैं तो फिर हम मोटापे का शिकार नहीं होते। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है कि जी हम डाइटिंग करेंगे तो हम वीक हो जाएंगे। मोस्टली लड़कियां लड़के क्या करते हैं कि डाइटिंग करते हैं और वक्ती तौर पे उनका वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं, नॉर्मल खाने की तरफ आते हैं, तो वेट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स, वो रिक्वायर्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तेजी से चाहिए होते हैं। सो कोशिश ये करें कि एक मॉडरेशन के साथ चलें, आप एक रूटीन के साथ खाना खाएं, और ब्रेकफास्ट लाजमी करें अगर आप अपने जहन को तेज करना चाहती हैं, लेसन्स को जल्दी याद करना चाहती हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपके जिस्म का 2% है लेकिन 20% तवाना यूज करता है। सो आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए, और इसमें मैं एक और टिप देता हूँ कि जिन बेटों को ये डर होता है कि जी उनके फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, उसकी बड़ी बुनियादी वजह भी डाइटिंग है। जब आप डाइटिंग करते हैं तो आपका स्टमक खाली रहता है, या आप दूसरों को देखते हैं कि दूसरे लोग जो है वो मजे मजे की चीजें खा रहे हैं, आपके स्टमक में एसिडिटी पैदा हो जाती है, जिसके जब आप देखते हैं उन चीजों को आपका दिल करता है लेकिन आप रोक रहे होते हैं खुद को। जब एसिडिटी पैदा होती है तो हमारे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। इसका हल ये है कि एक तो नाश्ता करें, दूसरे नंबर पे सुबह उठते ही नीम गरम 2 गिलास पानी पिए। जो लोग सुबह उठ के नीम गरम 2 गिलास पानी पीते हैं, न सिर्फ उनकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, उनके किडनी पूरे उनके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करती हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनका माइंड भी एक्टिव हो जाता है। सो सुबह उठ के निहार मुंह 2 गिलास नीम गरम पानी पिए, हैवी ब्रेकफास्ट खाएं, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, आप ऑर्गेनिक फूड खाएं, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस फूड से बचें, और ये प्रेजेंटेशन के चक्कर में मत पड़ें। हम लोग बहुत सा अपना पैसा प्रेजेंटेशन में बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ,
मेरी बेगम मुझे कहती है कि यासिर साहब आप बड़े सैर सपाटे करते हैं, घूमते रहते हैं, तो आप मुझे किसी दिन लेके जाएं किसी कैफे में। सो मैं उसको अपनी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैं उसको ले गया लाहौर में, एक बड़ा मशहूर सा कैफे है, इटालियन कैफे है, मैं वहाँ पे ले गया। हमने वहाँ पे गए, बड़ी ऑनर के साथ उन्होंने हमें चेयर पे बिठाया, मेन्यू आया हमारे सामने, इटालियन डिशेस में नाम लिखे हुए थे, नाम तो मुझे समझ नहीं आए क्योंकि इटालियन लैंग्वेज थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो है अपने इंट्यूशन से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि हम क्या खा सकते हैं। तो हमने एक डिश ऑर्डर की, प्राइस उसकी थी कोई 3450 प्लस टैक्सेस, तो वो एक मेरे लिए थी, एक बेगम के लिए थी, साथ हमारे बेटे थे हमारे मूसा और ईसा। सो जब वो डिश आई तो मैंने देखा कि एक प्लेट के अंदर दो चैम्स हैं और थोड़ी सी जो मिंट सॉस है और साथ पुदीने के दो तीन पत्ते, और नाम था उसका लामा पंपा जोसे, और मैं हैरान रह गया कि 3450 प्लस टैक्सेस और चैम्स की दो बोटियां। और मैं और बेगम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, यानी वे सामने को खाया, और बेगम मुझे कहती है कि जी मेरी तो भूख नहीं उतरी, कि घर जाके कुछ चीज बना लेते हैं। सो ये जो प्रेजेंटेशन है ये घर के अंदर तो ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा आलमिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल स्टेटस का कॉम्प्लेक्स रखते हुए हम लोग ऐसे रेस्टोरेंट्स पे, ऐसे कैफेज पे जाते हैं और हम पैसे का ज़िया करते हैं। मैं इस चीज़ को पैसे का ज़िया कहता हूँ। देखें, अगर आपके पास बड़ी दौलत है ना, आप चले जाएं, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी आप किसी इटालियन कैफे में गए हैं, या आप जो है वो जो कैफे गए हैं, लामा पंपा जोसे गए हैं, या आप जो है लाइक किसी भी फाइव स्टार होटल में गए हैं, तो बेहतर ये है कि यार आप ऑर्गेनिक फूड खाएं और ऑर्गेनिक फूड को ही इतने अच्छे से प्रेजेंट करें। मैं उन हवातीन को अप्रिशिएट करूंगा, मैंने बहुत सी हवातीन को देखा है, मैं जब किसी दावत पे जाता हूं तो वो खाने को इतने खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट करती हैं कि वो आपको खाना देख के भूख लगना शुरू हो जाती है। सो प्रेजेंटेशन आप घर पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक यासर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंटेशन जो है वो आप घर पे करें, एक सादा खाने को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि आपका उसको खाने को दिल चाहे, आपके बच्चे उसमें दिलचस्पी लें, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उनको दे सकते हैं ताकि उनको वो चीज़ फील ना हो कि हर बार एक ही चीज़ है। दैट्स रियली गुड। आपका हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, क्लोजिंग मैसेज प्लीज। मैं व्यूअर्स के लिए इन जनरल और गुजरांवाला और लाहौर के लोगों और कराची के लोगों के लिए स्पेशल एक मैसेज दूंगा कि भाई जब खाना खाएं तो हाथ खुला रखा करें। इस मैसेज की एक बड़ी वजह यह है समीरा, कि मैं एक जगह पर ट्रेनिंग दे रहा था और मैं बात कर रहा था बर्निंग डिजायर के बारे में, कि इंसान जो है जब अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो उसके अंदर उस काम को करने के हवाले से शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कॉलिंग हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी इस चीज का जिक्र किया है कि भाई अगर अमीर होना है तो अमीर होने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर पे बात कर रहा था तो मैंने ना इस बात को समझाने के लिए ऑडियंस से खिताब करते हुए ये बात की, मैंने कहा देखें आप अगर सहरा में हैं और आपको शदीद प्यास लगी है तो आपको अगर 20-25 किलोमीटर पैदल भी तय करने पड़ेंगे तो आप अपनी प्यास को जाने के लिए वो सफर तय करेंगे क्योंकि आपके अंदर बर्निंग डिजायर होगी। लेकिन अगर आपने खाना खाया हुआ है, आप सेरी हैं, आपका पेट फुल है और आपके सामने बेहतरीन फाइव स्टार होटल्स की डिशेस भी रखी जाए तो क्या आपका खाना खाने को दिल करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं करेगा। तो एक नौजवान जो है ना वो खड़ा हो गया, हाथ उससे खड़ा किया, कहता है एक्सक्यूज मी सर, कहता सर मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ये जो बात है ये गुजरांवाला के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि गुजरांवाला के लोग के बात भी कहते हैं लियाओ रोटी। ठीक, सो ये मैसेज गुजरांवाला, आई डोंट नो कैसी कोई बात है सच में कि गुजरांवाला के लोग इतना ज्यादा खाते हैं, आप भी गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं लगता। आपने भी तो बताया कि आपने अपनी बड़ी चीटिंग हैबिट्स हुई है, आप देखें ये सारी चीजें तो है कि आपको अवेयरनेस कितनी है, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। देखें जिस बंदे को प्यार है ना अपने आप से वो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखता है, लेकिन जिस बंदे को अपने आप से प्यार नहीं है, मैं फिर इसको अगर बड़े स्पेक्ट्रम में डिस्कस करूं तो जिस बंदे की जिंदगी में कोई मकसद है ना,
वो अपने खाने का ख्याल रखेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करेगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेगा कि उसके इर्द गिर्द लोग किस किस्म के हैं, क्या वो टॉक्सिक हैं, क्या वो नेगेटिव हैं। क्योंकि जब हम पेट में जाने वाली चीजों का ख्याल रखते हैं तो हमें अपने दिमाग में आने वाली सोचों का भी ख्याल रखते हैं कि वो सोचें किस किस्म की आ रही है। सो मकसद हयात रखने वाले लोग तो हर तरह से अपनी जिंदगी के हवाले से कॉन्शियस होते हैं। सो एक तो ये है कि भाई आप हाथ होला रख के खाएं, दूसरे नंबर पे यार ऑर्गेनिक फूड खाओ, तीसरे नंबर पे खाने का एक वक्त मुकर्रर करो, चौथे नंबर पर आप इतना खाओ कि आप खुद को कैरी कर सको और भूख रख के खाओ, पांचवें नंबर पे ये प्रेजेंटेशन और इन चीजों पे ना जाओ, छठे नंबर पे बाजार की चीजों को बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, घर में बनाए, सातवें नंबर पर कुछ चीजों को अपनी लाइफ से बिल्कुल माइनस कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स को माइनस कर दें, एनर्जी ड्रिंक्स को माइनस कर दें, फास्ट फूड पिज्जा बर्गर इसको माइनस कर दें, और अगर आपका बड़ा दिल करता है तो कभी महीने में एक बार आप जाके दोस्त के साथ फैमिली के साथ आप इसको खा सकते हैं। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर इन्हीं बातों पे अमल कर लिया जाए तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल यासिर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी बात कि आप अच्छा खाएं, बहुत अच्छा खाएं और अपनी ईटिंग हैबिट डेवलप करें, लेकिन एक और बहुत ख़ास बात ये है कि जब आप खाना खा रहे हों तो प्लीज़ खाने पे कंसंट्रेट करें, और जो जब हम उसके इर्द गिर्द कुछ बोल रहे होते हैं या हमने सामने टीवी लगाया होता है और उसके ऊपर न्यूज़ चल रही हैं जिसके अंदर वो सारा आपको पैनिक और ये सब दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारे इर्द गिर्द खास तौर पे यासिर आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि पानी जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इर्द गिर्द जो हो रही होती हैं चीज़ें वाइब्स को अब्जॉर्ब करता है। तो जब भी खाना खाएँ, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि तसल्ली से बैठ के खाएं और कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान खाने पे हो, और उसको जिस तरह बताया गया है कि उसको अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करें और उसको खाएं और उसको बड़े तरीके से बड़ी इज्जत से खाएं और उसके बाद उसको उसी तरह से ख़त्म करें और उस पर शुक्र अदा करें। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जिनको हम जानते भी हैं और पता नहीं क्यों हम लोग उस पर अमल नहीं कर रहे होते, अगर करें तो हमारी इससे हैबिट्स भी बेहतर होंगी और ऑब्वियसली हमारी जो है वो सेहत के ऊपर इसका असर आएगा। सो मैं फिर से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने हमारे लिए निकाला, आपने हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आंसर किया, थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके व्यूअर्स, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए गेस्ट के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप लोग भी अगर किसी टॉपिक पर बात सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.